24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को मेरी माँ और मेरी भाभी और हमारी पूरी फैमिली का कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया था। और उसके 3 दिन के बाद 27 अप्रैल को मैंने अपनी माँ को, उसका सैचुरेशन लेवल नीचे जा रहा था तो हमने उसको एडमिट किया था GMC अनंतनाग में। और आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि मतलब उनका लंग इन्फेक्शन होने के बावजूद भी उसका एक्सरे 2 दिन के बाद होता है GMC अनंतनाग में। मेरी भाभी जो थी उनकी भी सैचुरेशन लेवल थोड़ी सी डाउन होती जा रही थी, 87 तक उनकी चली गई थी। तो मेरी मम्मी को एडमिट करने के 2 दिन बाद 29 को उसको भी हमने एडमिट किया था इन द सेम वार्ड। कोई फॉलोअप है ही नहीं वहाँ पे कि पेशेंट का सिचुएशन जो है, पेशेंट की कंडीशन जो है वो डिटोरेट हो रही है या इम्प्रूव हो रही है, ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। तो हमारी डेथ रेट है 2-3%, जो नेशनल लेवल से बहुत कम। तो देख रहे हैं पूरी कंट्री का क्या हाल है, तो उस हिसाब से हमारा जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं, जो हमसे बड़े अस्पताल हैं, जैसे स्किम्स है, जैसे GMC श्रीनगर है, और वहाँ बहुत पेशेंट एडमिट हैं, तो हमारे पास भी कम से कम 100 पेशेंट एडमिट है। 1-2-3 की डेथ हो जाने एवरेज 2-3% हमारी डेथ रेट है, और वो बहुत एक्सेप्टेबल डेथ रेट है। टेस्ट लिखते हैं डॉक्टर साहब, पहले वो करते नहीं हैं, अगर वो करते हैं तो रिपोर्ट मतलब आता ही नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है, मतलब ये जो एक डिपार्टमेंट है दूसरे डिपार्टमेंट से मतलब तालमेल नहीं है। मैंने मतलब एक क्राइम, एक मतलब मैंने खुद नहीं किया है वो क्राइम, मतलब मुझे हॉस्पिटल वालों ने वो क्राइम करवाया कि मतलब हम नीचे जाते थे, हम आइसोलेशन वार्ड में थे, मतलब फैसिलिटी नहीं, अवेलेबल नहीं थी, मुझे 2-3 दफ़ा मतलब आइसोलेशन वार्ड से बाहर निकलना पड़ा। और इन्होंने हमको कहा कि नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचे, आप नीचे से ऑक्सीजन सिलेंडर ऊपर दे आइए। My father was admitted in GMC Anantnag on 29th of April. In fact, हमने 29th अप्रैल को जब उनका एडमिशन किया था तो ही वॉज कोविड पॉजिटिव, उनका रैपिड टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आया था। तो जब हमने उनका एडमिशन किया था उस टाइम पे उनकी सैचुरेशन अराउंड बिटवीन 80s थी, 85 के नीचे थी, तो बिकॉज ऑफ दैट वी गॉट हिम एडमिटेड। तो जब हमने उनका एडमिशन किया था तो जब एडमिशन हुआ था उसी टाइम पे उनने ब्लड सैंपल्स लिए थे। द स्टार्ट वॉज कि उन्होंने ब्लड सैंपल पहला लिया था 29th को ही, एंड जब उन्होंने ब्लड सैंपल लिया था उसके बाद हम रिपोर्ट्स का वेट करते रहे। 30th को मैं डॉक्टर्स जब विजिट करते हैं तो मैं डॉक्टर्स के पास जाता हूँ, उनके पास उनको बोलता हूँ कि उनकी ब्लड रिपोर्ट्स मुझे चाहिए, तो वो बोलते हैं कि ब्लड रिपोर्ट शाम तक आएगी। 30th डे एंड तक भी रिपोर्ट नहीं आती है ब्लड रिपोर्ट। फिर 1st को मैं फिर से डॉक्टर्स के पास जाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि ब्लड रिपोर्ट हमें चाहिए, ब्लड रिपोर्ट्स आप दीजिए, हमें LFT KFT सोडियम पोटेशियम इनका चेक करवाना है, तो वो बोलते हैं ब्लड रिपोर्ट्स अभी नहीं आई हैं, ब्लड रिपोर्ट्स आएंगी। फिर आई वेंट टू द लैब, तो मैंने लैब पे चेक किया तो लैब वाले मुझे बोलते हैं कि वो ब्लड सैंपल हमारे पास आया ही नहीं है। जैसे 100 पेशेंट एडमिट है, 100 पेशेंट में से कम 97-98 ठीक होकर घर चले जाते, आप उनसे मालूम करें वो ठीक कैसे हो गए। 6 बजे मेरी वाइफ का ऑक्सीजन खत्म होता है सिलेंडर, 6:15 बजे ये मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे लाते हैं, 6:15 बजे मुझे ये ऑक्सीजन, 15 मिनट आप यकीन नहीं करेंगे, 15 मिनट मतलब वो मेरी ज़िंदगी के कैसे गुजरे वहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन, जब मैंने उसको मरते हुए वहाँ पे देखा है। 15 मिनट तक उन्होंने मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया। 15 मिनट के बाद जब ऑक्सीजन सिलेंडर मेरा ख़त्म होता है उसके बाद वो मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करते हैं, मैं लगाता हूँ और 6:30 बजे मेरी वाइफ की डेथ होती है। 7 दिन मैं उस वार्ड में था, वहाँ पे कोई सीनियर रेजिडेंट आया नहीं, कोई कार्डियोलॉजिस्ट आया नहीं, कोई स्पेशलिस्ट आया नहीं जो चेक कर सके कि पेशेंट में कोई पेशेंट क्रिटिकल है तो क्या चेक करे। जस्ट दैट कि डॉक्टर्स जो है वहाँ पे वो राउंड्स करते हैं, सुबह एक राउंड करते हैं, शाम को एक राउंड करते हैं, 4 मेडिसिंस लिखते हैं, टेजार, डेक्सा, रेमडेक और पेंटॉप, वही मेडिसिंस वो एडमिनिस्टर करते हैं, और उसके बाद कोई चेक नहीं होता, कोई रिपोर्ट नहीं आती, कुछ नहीं आता। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर ऑन मैकेनिकल मॉनिटर, मीन उनके पास मॉनिटर है, उनसे दूर से पता चलता है उनकी सैचुरेशन कितनी है, उनका हार्ट रेट कितना है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, उनका ब्लड प्रेशर कितना है और उनकी कंडीशन कितनी है। और इससे उससे जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है या जो वहाँ पे डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ है ड्यूटी पे, उन पे दबाव कम हो जाता है। 6th और 7th को 3 दिन कंटिन्यूसली मेरी भाभी का एक्सरे होता है, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, और ये मेरा चैलेंज भी है GMC प्रिंसिपल के लिए, कि वो मेरी भाभी का 5th और 6th का एक्सरे जो उसका लिया गया ना उसका फिल्म मुझे दिखाइए, उनके पास रिपोर्ट ही नहीं।
जो अटेंडेंट्स है और जो कोविड कोविड पेशेंट्स है वो एक ही बाथरूम यूज कर रहे हैं. दे आर यूजिंग द सेम बाथरूम एंड दैट बाथरूम इज फिल्दी. वो कोई साफ करने नहीं आता. जब तक आप वहां पे किसी को बोलोगे नहीं, चलाओगे नहीं कि वो साफ करे, तब वो जाके वो बाथरूम इनफैक्ट साफ करेंगे. हमने एक कोविड केयर सेंटर बना के रखा है जो 24/7 काम करता है. वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, और वो जो पेशेंट जिनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है वो वहाँ मशवरे के लिए जाते हैं और वहाँ से अपने आप को ट्रायज करवाते हैं. मतलब कौन माइल्ड पेशेंट है, कौन मॉडरेटली सिक पेशेंट है, कौन सीवियर पेशेंट है और कौन क्रिटिकली इल पेशेंट है. उनको देखते हैं, उनको असाइन करते हैं उनको कहाँ पर जाना है. कोविड केयर होम आइसोलेशन में जाना है या कोविड केयर सेंटर में जाना है या लेवल 1 फैसिलिटी में जाना है, लेवल 2 फैसिलिटी में जाना है या लेवल 3 फैसिलिटी में जाना है, एज डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट. और हम लेवल 2 फैसिलिटी इस अस्पताल में. और इस अस्पताल में एज ऑफ नाउ हमारे पास कम से कम 100 बेड्स हैं अवेलेबल, ऑक्सीजन बेड्स हैं फॉर कोविड पेशेंट्स हु आर लेवल 2, मगर वो थोड़े सिक हैं. कम से कम हमारे पास 50 मशीन्स हैं फुल ऑक्सीजन की जो जनरेट करती हैं वो हमारे हॉस्पिटल के सिस्टम से. और हमारे पास जो बल्क सिलेंडर्स उनको सपोर्ट करने के लिए उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, वो हमारे पास कम से कम 200 है एज ऑफ नाउ. और हम उनको कोशिश करें उनमें उन बढ़ोतरी हो ताकि हमारा जो ऑक्सीजन का है बैंक बना रहे और हसब जरूरत हम इसका इस्तेमाल करते और कोई परेशानी ना हो. उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट गवर्नमेंट ने बड़ी मेहरबानी की है ये कि हमको ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल करके दिया. अप्रैल में ही हुए थे, अप्रैल में होता. उनकी इस वक्त कैपेसिटी है 2000 लीटर्स पर मिनट जनरेट करने की ऑक्सीजन. वो काम कर रहे हैं, कमीशन ने काम कर रहे हैं, उस पर हमारा ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत हद तक उस पर दारमदार है. उसके अलावा हमारे पास एक पहले ही एक यहाँ पर छोटा जनरेशन प्लांट था ऑक्सीजन का, उसकी कैपेसिटी 350 लीटर्स पर मिनट, वो भी काम कर रहा है. उससे हम जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं